हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रेसिपी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स पिरिकिया, जिसे कहते हैं गुजिया। सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो हम लोग की तरफ गुजिया और पिरिकिया दोनों कहते हैं। तो आज हम जा रहे हैं पिरिकिया बनाने। तो यहाँ पर सूजी को घी में फ्राई कर रहे हैं, और ये देखिए सूजी हमारी, इसे ब्राउन कर होने तक फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी स्मेल आ रही है। तो ये देखिए हमारी हाँ फ्राई हो रही थी, और यहाँ पर देखिए मम्मी खोआ मिला रही थी पहले से, और यहाँ काजू किसने छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी थी। तो हमारी सूजी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें मिक्स करेंगे, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सूजी हमारी फ्राई होने ही वाली है, तो थोड़ी सी ब्राउन और होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी सूजी होने वाली है ब्राउन, और आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सूजी हमने निकाल लिया था, ब्राउन हो गई थी, तो मैं पेपर में निकाल रही हूँ। और यहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स चीनी, जिसे मिक्सी में पीस लिए थे। कभी कभी क्या होता है ना, गुजिया जब बनाते हैं ना तो ऐसे ना चीनी दे देते हैं तो मुँह में बहुत ही अजीब सा लगता है खाने में, इसलिए चीनी को पीस लिए थे। और यहाँ पर देखिए खोआ बन के तैयार है। यहाँ पर देखिए आटा पहले से लगा के रखे थे, और ये बेल रहे थे। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी क्या कर रही है, पिरिकिया को हाथों से किस तरह से डिजाइन बना रही है। हम लोग तो फार्मा से बनाते हैं, तो मेरी मम्मी हाथों से इस तरह से डिजाइन बना रही थी। ये सारे हाथों का ही कला है। यहाँ देखिए मम्मी एक एक करके सारे किसी तरह पानी लगा लेगी आटे में, और इसमें जो सूजी उजी जो मसाला था बना हुआ इसके अंदर भर देगी। और इसे देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से चिपका दी है पानी से, और इसका डिजाइन अब बनाएगी हाथों से। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे तो नहीं बना, इसलिए मैं फार्मा से ही बना रही थी। तो पहले हमारी नानी लोग भी जब दादी लोग बनाती थी ना तो हाथों से ही बनाती थी, पहले तो फार्म नहीं होती थी ना तो हाथों से ही बनाती थी। आजकल तो बहुत कुछ निकल गए हैं। तो ये देखिए हाथों से किस तरह से आटे को इस तरह से घुमा घुमा के डिजाइन बना रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फार्मा से अच्छा हाथों का डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए मम्मी बना के तैयार है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे गुजिया यहाँ पे बन के तैयार है, और यहाँ पे मैं छान रही हूँ मैं रिफाइन में। तो यहाँ रिफाइन गर्म हो गए थे, और यहाँ पर पिरिकिया को गुजिया को डाल दिए थे तेलों में, और इसे दोनों तरफ से पलट लेंगे और इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं अब जाने वाली हूँ दिल्ली, तो मेरा यहाँ से विदाई होने वाली है। तो मम्मी इसीलिए बना रही थी संदेश। तो यहाँ पर देखिए पिरिकिया हमारी बनके तैयार है, और इसी तरह ही ब्राउन होते हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा दे दिए हैं। तो इसे देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो रही है, और फूल के बहुत ही बड़ा बड़ा हो जा रही है, और सारे पिरिकिया सारे गुजिया फूल के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से पक जाए, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत ही पसंद होती है, जब भी मैं आती हूँ ना मायके तो मम्मी अक्सर बनाती है मेरे लिए। तो मम्मी मेरे लिए बना दी थी कि ले जाऊँगी दिल्ली तो खाएँगे। यहाँ देखिए गुजिया बनके ये तैयार है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए गुजिया बनके हमारी फाइनली तैयार हो गई है, कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी खस्ता और कितनी प्यारी लग रही है, खाने में उतनी बेहद ही टेस्टी है। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।